नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मुनस्टार न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। केसली तहसील के ग्रामों में विगत दिनों हुई बारिश के साथ साथ हुई ओलावृष्टि में प्रभावित फसलों का सर्वे कराते हुए मुआवजा व फसल बीमा राशि दिलाने की मांग को लेकर देवरी विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने सौंपा ज्ञापन। देवरी विधानसभा क्षेत्र की केसली तहसील में विगत 8-9 जनवरी को बारिश के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसको लेकर किसान समूह द्वारा क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुभागीय अधिकारी राज देवरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केसली तहसील के अधिकतर ग्रामों में ओलावृष्टि व बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कराया जाए एवं उचित मुआवजा राशि व बीमा राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा देवरी व बंडा विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले वर्ष जिले में सभी तहसीलों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया, लेकिन देवरी व केसली तहसील को छोड़ दिया गया। इस वर्ष पुनः प्राकृतिक आपदा का प्रकोप क्षेत्र के किसानों के साथ हुआ है, जिसका शीघ्र सर्वे कराया जाए एवं मुआवजा राशि व फसल बीमा राशि उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में किसानों को रासायनिक खाद की उपलब्धता और अघोषित विद्युत कटौती बंद किए जाने एवं समय सीमा में विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। उन्होंने सभी मांगों को समय सीमा में पूर्ण न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अधिकतर गांव में बेहद ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है और तसार का प्रकोप सभी फसलों में हुआ है। उसी संबंध में आज मैंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के महोदय के लिए नाम से, शीघ्र ही सर्वे कराकर फौरी तौर पर निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है उस हिसाब से 100% तक नुकसान हमारे किसानों का हुआ है, मुआवजा राशि मिले, बीमा राशि मिले। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह जी के द्वारा हमारी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, विगत वर्षों में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब बीमा की राशि हो चाहे मुआवजे की राशि हो सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। यहाँ तक की विसंगतियाँ हुई हैं कि मात्र सागर जिले के अंतर्गत देवरी और केसली विधान दोनों तहसील छोड़ी गई हैं, बंडा विधानसभा छोड़ी गई है। इस तरह की यदि भेदभाव वाली नीति होगी तो हम लोग आंदोलन की बाध्य होंगे। किसानों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ने के लिए हम सभी लोग लड़ने के लिए बाध्य होंगे, इसलिए आज मैं आगाह करने आया था, लोगों को ज्ञापन देने आए थे हम लोग कि हम लोग की मांग पूरी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। आगे की तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ।